कुल्लू में बारिश की तबाही से कहर बरपाना शुरू हो गया है। जिला कुल्लू में साल 2023 की आपदा की यादें बादल फटने से शुरू हो गई हैं। हाल ही में जहां पर्यटन नगरी मनाली के पलचान में सरेही नाले में आई बाढ़ से भारी नुकसान हो गया था, वहीं पलचान के बाद अब पर्यटन और धार्मिक नगरी मणिकर्ण के तोश में भी बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे यहां पर भारी नुकसान हो गया है। इस घटना में कई दुकानें पानी के तेज बहाव में बह गईं। इसके अलावा हेलो तोश होटल को भारी नुकसान हुआ है, होटल के निचले भाग को भारी नुकसान पहुंचा है। तो हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का जो मंजर है लगातार जारी है। पानी के तेज बहाव में जो है कई दुकानें बह गई हैं, दुकानों और होटलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और इस नुकसान में एक होटल है, होटल तोश को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये सर रात को ये तोश नाला है, इसका नाम जिगरा नाला है और हमें भी सुबह फोन आया कि 3:30 बजे के रात में ये बादल फटने से जो यहाँ को गांव का बैली ब्रिज था वो भी कट गया, साथ में यहाँ 2-3 होटल है, इनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और घरों में भी काफ़ी दरारें आ चुकी है और फिलहाल जो है यहाँ गांव का रास्ता भी कट चुका है, आवाजाही जो है गाँव की बंद है ये नाले की वजह से। ये बहुत भयंकर रूप से रात को आया है और अभी सुनने में आ रहा है कि अभी और जो है पीछे इसका स्लाइडिंग का जो और चांसेस है, इसके बारे में भी सरकार को कुछ देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से इसको प्रोटेक्शन किया जाए। और मैं तो चाहता हूँ सरकार को भी कि सबसे पहले तो ये ब्रिज को लगाया जाए और इस रास्ते को बनाया जाए और साथ में जो होटलों का भारी नुकसान हुआ है इसका भी भरपाई किया जाए। तो जान माल का कोई नुकसान नहीं है, भगवान की कृपा से जान माल का किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है प्रॉपर्टी का और इसको जो है सरकार भी तुरंत जो है रात का प्रावधान करे और सबसे पहले रात का प्रावधान करे और वैली ब्रिज जो हमारा कट हो गया तो उस गाँव इस समय तो इसको भी जोड़ने का प्रयास करे। इसी के साथ धन्यवाद।